all of you welcome to online ventures the one-stop solution फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इन इंडिया रात के आठ बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार साथ। साथ फड़ करें और बेलाइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए हर्षित ऊषा दिलीप का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार ऑनलाइन बेंचर्स पर सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स आज है बच्चों 26 फरवरी 2021 िस भाई साहब जैसा कि आप शाम को सात बजे जीएस पढ़ रहे हैं लेकिन जीएस बेटा याद रखिएगा कि बिना करंट अफेयर्स के अधूरी है याद रखिएगा तो जनरल स्टडीज में जब तक करंट अफेयर्स का तड़का ना हो जाए समझ लीजिए कि जनरल स्टडीज बिल्कुल अधूरी है और बिना करंट अफेयर्स की मदद के आप कभी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि समय के साथ बेटा करंट अफेयर्स की वैल्यू एग्जाम में बढ़ती जा रही है जब कभी मैं एग्जाम दिया करता था वंस अपॉन अ टाइम तो उस समय करंट अफेयर्स पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अब जो है करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है खासतौर से यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में बहुत करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो याद रखियेगा एंड अफेयर्स पढ़ने के वही दो तरीके हैं एक वो लोग हैं बेटा जो सिंसियरली सुबह डेली लेकर बैठ जाते हैं द हिंदू अब हिंदू पढ़ना एक शानदार काम है लेकिन उसकी एक समस्या है और समस्या यह है कि हिंदू को पढ़ने में लगते हैं बेटा तीन घंटे और अगर आप अपने जीवन के चौबीस में से तीन घंटे द हिंदू को पढ़ने में लगा देंगे तो उसका जो आर आर ओ आई है जिसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो बहुत खराब है दूसरे वो लोग होते हैं नाइन्टी परसेंट लोग जो कभी नहीं पढ़ते हैं वो हमेशा क्या होता है अंत में आ जाते हैं मेरे पास सर करंट अफेयर्स करा दो अरे भैया मेरे पास कोई रामबाण थोड़ी ना है मैं करंट अफेयर्स करा दूंगा तो होता क्या है कि उनके ऊपर आठ नौ हजार क्वेश्चन का बोझ आकर गिरता है दे एंड विद नथिंग और तीसरे वो बच्चे हैं जो डेली मेरे एक्सप्रेस थ्री करंट अफेयर्स में आते हैं याद रखिएगा वो वो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और याद रखिएगा यही वो बच्चे हैं हैं जो फाइनली अपने एग्जाम को निकालेंगे तो याद रखिएगा यह बहुत ही कड़वा है लेकिन सच है कि अगर बेटा तुम नहीं पढ़ोगे शुरुआत से तो अंत में तुम्हारे साथ वही होगा जो होना चाहिए तो याद रखिएगा बेटा जो अभी सीरियस है पढ़ाई को लेकर के उसी को आगे फायदा होगा अब आपको मालूम है कि हम लोग यहां पर डेली 40 मिनट लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट आपको डेली की टॉप न्यूज करा दी जाती हैं डेली के टॉप क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं डेली की पीडीएफ करा दी जाती है बस आप किसके लिए आ सकते हैं ओ की तैयारी कर रहे हो सी की तैयारी कर रहे हो सी की तैयारी कर रहे हो यूपीसी यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हो एनडीए की कर रहे हो तो भैया ये करंट अफेयर्स तुम्हारे लिए रामबाण से कम नहीं है ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र का अगर इस्तेमाल तुमने नहीं किया तो फिर सब बेकार हो गया ठीक है बच्चों चलिए भाई सेशन को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए ऑनलाइन वेंचर्स की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट कर लीजिए मैंडेटरी ऐप है प्रणाम आ जाइए तोमर सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके बाद याद रखिएगा बच्चों यूपीएससी खास तौर से जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे घटना चक्र की वैल्यू क्या है यह हम एक मार्च से शुरू कर रहे हैं दोपहर को बारह बजे और दोपहर डेढ़ बजे साइंस का घटना चक्र घटना चक्र स्टेट पीसीएस वालों को

तैयारी करने का क्योंकि अभी आपके पास समय है और समय का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन अभी आप कर सकते हैं ठीक है मेरे बच्चों चलिए शुरू किया जाए ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज बड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है बहुत बड़ी रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है यह देखिएगा इमिग्रेंट वीजा बैन यूएसए ये देखिएगा बेटा इमिग्रेंट वीजा बैन यूएसए को लेकर आज बड़ी खबर आ रही है ये देख सकते हैं अमेरिका के नए डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जिनका नाम है श्री जो बिडेन जो कि कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए आज बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ी खबर आई है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे आप जानते हैं वो कुछ भी करते थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोविड नाइनटीन में अमेरिका कोविड नाइनटीन पैंडेमिक के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन के नए रूल्स लगा दिए थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है इसीलिए विदेशियों को अमेरिका में आने से उन्होंने रोक लगा रखी थी अप्रैल 2020 से लेकिन जो बिडेन साहब ने कहा कि यह सही तरीका नहीं है इससे दो नुकसान हो रहे हैं एक तो वो लोग जिनके परिवार अमेरिका में रहते हैं वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं दूसरी चीज अमेरिका दुनिया भर के टॉप टैलेंट को अपने देश में लाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो भी नहीं हो रहा है सो याद रखिए गा द बिडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिवोक्ड डोनल्ड ट्रंप सस्पेंशन ऑफ न्यू इमिग्रेशन विजाज सिंह अप्रैल 2020 थाउजेंड इन्होंने क्या किया है तो वीजा रॉस पर जो है चेंज कर दिया है याद रखिएगा हाँ एच वन बी वीजा पे रिलैक्सेशन नहीं है लेकिन बाकी चीजों पर दी गई आइए समझते हैं द रिवोक्ड ऑर्डर है एंट्री ऑफ सर्टेन इमिग्रेंट्स एंड नॉन इमिग्रेंट्स इनटू द यूएस ऑफ

स्किल्ड वर्कर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एंड सेवरल अदर एक्सचेंज विजिटर वीजा कैटेगरी वेंट इफेक्ट ऑन 24 जून हालांकि इन्होंने जो है इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है इस पर फायदा दिया है लेकिन जो बेटा ये खास तौर से एच वन बी वीजा होता है जो स्किल्ड वर्कर्स वाला होता है इसमें कोई बदलाव नहीं है यह वैसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चलता आ रहा है एच वन वी वीजा आर प्रीडोमेंटली ग्रांटेड टू वर्कर्स इन द आई टी सेक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ दीज वीजा वीजा ओवर हैव गॉन टू द इंडियन इन अब जो है उस पर हालांकि अभी दीजाटी कोई, कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में एच वन बी वीजा पर भी रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं जो बिडेन द्वारा मिलेगी आपको मालूम होना चाहिए एच वन बी वीजा जो अमेरिका जाते हैं लोग उनमें सेवेंटी परसेंट जो है भारतीय लोग ही होते हैं याद रखिएगा। so, कहीं ना कहीं आने वाले समय में फायदा मिलेगा। लेकिन जो जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उन पर आज बड़ा रिलैक्सेशन अच्छा है एच वन बी परसन इन ऑक्यूपेशन टू वर्क इनिटी रिक्वास हायर एजुकेशन डिग्री एलवन अलाउज कंपनी स्किल्ड वर्कर्स टू यूएसियड टू 7 ईयर एच टू बी वीजाज अलाउ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन दू एस और जेवन वीजा द स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम सो बेसिकली जो स्मॉल वीज़ाज हैं जैसे कि एच टू बी वगैरह वीजा होते हैं इन पर जो है उन्होंने काफी अच्छा पर, अच्छा काम किया है याद रखिएगा क्लियर है तो याद रखिएगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स को जाने के लिए रोक लगा रखी थी उसको आज जो है रास्ता खोल दिया है और कहीं ना कहीं बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए याद रखिएगा ठीक है <laughs> बहुत बढ़िया ये देखेगा बेटा क्या खूबसूरत फोटो है ये देखेगा बेटा श्री कृष्ण देव राय भाई साहब बहुत खूबसूरत ये देखेगा आप लोगों ने हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा और विजयनगर एम्पायर में आप जानते हैं कि जो सबसे ताकतवर शासक थे उनका नाम था कृष्ण देव राया जिन्हें बेटा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है जिनका पुर्तगालियों के साथ काफी अच्छा रिश्ता था याद रखिएगा सो कृष्ण देव राया की पहली बार पिक्चर मिली है देखिए बेटा कितने डैशिंग लग रहे हैं कितनी पर्सनल पर्सनालिटी को देखिए व्हाट अ पर्सनालिटी कृष्ण देव राया याद रखिएगा ये बहुत ही शानदार है बिल्कुल द हिंदू की खबर है जोल राजपूत बेटा मेरा करंट अफेयर्स द हिंदू से पीआईबी से हर जगह से मिल करके बनता है ना शानदार है सो ये देखिएगा द फर्स्ट एवर एपीग्राफिकल रेफरेंस टू द डेथ ऑफ डेथ ऑफ विजयनगर किंग कृष्ण देव राया हैज बिन डिस्कवर्ड एज होनेन हल्ली इन द माकुरु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका सो इस ये नई इनकी पिक्चर बेटा डिस्कवर हुई है होना हल्ली से जो कि टुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है वहां से ये पिक्चर मिली है याद रखिएगा कृष्णदेव राय साहब की कृष्णदेव राय आपको मालूम होगा विजयनगर एंपायर के किंग थे जो कि हम्पी में स्थित है याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आगे देखिएगा बेटा द इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन कन्नड़ कृष्णदेव राय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पर ऑफ इंडिया हु रूल फ्रॉम द साउथ डाइड ऑन अक्टूबर सेवनटीन फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन संडे And incidentally, this day was marked by a lunar eclipse. A village named Honnahalli in Tumakuru was gifted टाइटस कन्नड़ राज्य राम रमना आंद्रा बोझा एंड मुरू रयाग गंदा तो याद रखियेगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा आपसे कि कृष्णदेव राय की जो पिक्चर है वो कहाँ से मिली है सो so, होने हल्ली जो कि तुमाकुर्रु यहां पर स्थित है याद रखिएगा होम्मा हल्ली गांव है तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में याद रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है ये देखिए बेटा इंफॉर्मेशन रूल्स 2021 ये तीसरी खबर है आज की देखिएगा अब ये देखिएगा तीसरी खबर आज की है इंफॉर्मेशन रूल्स 2021 ये देख सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद साहब आप देख सकते हैं याद रखिएगा गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 हजार अब देखिएगा भाई साहब डिजिटल मीडिया एथिक्स समझिएगा अब भारत सरकार डिजिटल मीडिया के जो एथिक्स होते हैं याद रखिएगा उसके लिए कानून बना रही है रूल्स 2021 अब आप जानते हैं याद रखिएगा कि भैया हमारे डिजिटल मीडिया पे लोग काफी बवाला मचाई रहे हैं आजकल तो भैया कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए याद रखिएगा ठीक है द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स याद रखिएगा द रूल्स है आई टी एक्ट टू थाउजेंड एंड इन सप्रेशन ऑफ द अर्लियर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल दो हजार ग्यारह तो सेक्शन एट्टी सेवन टू के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत बनाया है पार्ट टू पार्ट टू ऑफ दीज रूल शेल भी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी वाइल पार्ट थ्री रिलेटिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर सेव गार्ड इन रिलेशन टू डर मीडर शड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ठीक है ड्यू डेलीजेंस मस्ट बी फॉलोड बाई इंटरमीडरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इन केस ड्यू इज नॉट फॉलोड बाई द इंटरमीड्रीज सेफ हार्बर प्रोविजन नॉट अप्लाई टू दैम सो याद रखिएगा कि एथिक्स की बात की जा रही है और अगर हाँ बिल्कुल सही बात है पूजा जी देखिए लिख रही हैं आजकल मैनी वेब सीरीज हो गई आजकल बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जहाँ पर बहुत ही खराब कंटेंट दिया जा रहा है जिससे बच्चों के ऊपर बुरा असर भी पड़ सकता है बहुत ही वायलेंट होती हैं कुछ जो हैं बहुत वायलेंट हैं कुछ ड्रग अब्यूज के ऊपर हैं कुछ सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर हैं तो ऐसे वालों को जो है थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रोल तो होना जरूरी है बेटा याद रखिएगा कहीं ना कहीं हर चीज पर कंट्रोल होना जरूरी है द रूल्स मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल मीडिया इंटरमीडरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरीज टू इंटरमेटरीज इनोवेशन एनेबल ग्रोथ न्यू सोशल मीडिया इंटरमीडरीज विदाउट सब्जेक्टिंग स्मॉलर प्लेटफॉर्म टू सिग्निफिकेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ठीक है बेटा <coughs> हाँ जी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डिटा मीडिया रही है याद रखेगा चीक है? चीक है? अच्छी बात भी है कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए किसके तहत सरकार करना चाह रही है इन्फॉर्मेशन रूल जो कि सेक्शन एट्टी सेवन टू ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत होंगे यह देखिएगा अब यह देखिए चौथी खबर कल आपने देखा होगा कि पांडीचेरी के डेवलपमेंट की बात की गई थी कल मैंने आपको बताया था ठीक है अरे भाई प्लीज देखो आप लोग प्लीज लड़ाई मत करिए ठीक है आप लोग आपस में लड़ाई करते हैं यह बहुत घड़ी बात है यह बहुत बुरी बात है मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा तुम लोग इतने बड़े ऑफिसर्स बनने की तैयारी कर रहे हो कोई ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम की, की तैयारी तो कर नहीं रहे हो तो भैया अब बात यहां पर यह है कि तुम लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम की, की तैयारी नहीं कर रहे हो यह समझो बेटा तुम एक आई ऑफिसर एक पीसीएस ऑफिसर सेना में अफसर सी में अफसर बनने की बात कर रहे हो तो कम से कम यार थोड़ा तो तुम लोग वो रखा करो यार मतलब मैं उन बच्चों से तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ऐसी बात करें लेकिन तुम लोग से तो इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग जो है मतलब बात को थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से करोगे एनीवेज ये देखिएगा कोयमबटूर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोयमबटूर आपको मालूम है है कहां पर स्थित कोयमबटूर तमिलनाडु में स्थित है और यहीं से बहुत ही पास याद रखेगा बहुत ही पास यहां पर एक जगह है इसका नाम है ऊटी याद रखेगा हां जी पीएम मोदी इनोग्रेटेड एंड लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन कोयम्बटूर तमिलनाडु कल मैंने आपको बताया था पांडिचेरी में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अब कोयम्बटूर में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की गई है ही डेडिकेटेड टू द नेशन दन थाउजेंड मेगावॉट नेवली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट एंड सेवन हंड्रेड नाइन मेगावॉट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन ऑफ एन इंडिया लिमिटेड इट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो याद रखिएगा ही डेडिकेटेड टू द नेशन द वन थाउजेंड मेगावॉट निवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट सो एक हजार मेगावॉट का न्यूवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सात सौ नौ मेगावॉट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड Formerly known as the Newellie lignite Corporation याद रखिएगा। So 1000 megawatt का थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 709 megawatt का सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है याद रखिएगा। बड़ी खबर है। He laid the foundation stone for design, supply, installation, and commissioning of the 5 megawatt grid connected ground based solar power plant at VO चिदंबरम पोर्ट एंड फॉर द एक्सटेंशन रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लोअर भवानी प्रोजेक्ट सिस्टम तो याद रखिएगा सो बेटा इसके साथ साथ पांच मेगावाट ग्रिड कनेक्शन याद रखिएगा किसके लिए वी ओ चिदम्बरम पोर्ट के लिए याद रखिएगा पांच मेगावाट ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर का तो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड काम थे जो आज किए गए याद रखिएगा ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इन नाइन स्मार्ट सिटीज इंक्लूडिंग कोयम्बटूर मदुरई सेलम थंजावुर वेल्लोर तिरिचिलापल्ली त्रिपुर तिरुनवेली एंड टूथोकोडी तो याद रखिएगा तो याद रखिएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसे आई ट्रिपल सी कहा गया है नौ स्मार्ट शहरों में तमिलनाडु के कोयम्बटूर मदुरई सेलम थंजावुर वेल्लोर तिरिचिलापल्ली त्रिपुर थिरुनवेली एंड टूथोकोडी याद रखिएगा ही इनग्रेटेड द एट लेनिंग ऑफ कोरामबल्लम ब्रिज एंड रेल ओवर ब्रिज एट वीओ चिदंबरम पोर्ट एंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम इसके अलावा आठ लेनिंग होगा याद रखिएगा कोरमान बल्लम ब्रिज का और रेल ओवर ब्रिज का याद रखिएगा तो काफी सारे आप कह सकते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स में काम किया गया है उसके अलावा आपका जो है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है उसके अलावा जो रोड्स हैं जो ब्रिजेस हैं उनको चौड़ा करने का काम किया गया है कोयम्बटूर में तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीज है याद रखिएगा ठीक है सो so, चौथी खबर हो गई ये देखिए पांचवी खबर काफी बड़ी है एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इनलैंड वाटरवेज देखो बेटा ये बहुत बड़ी चीज है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इनलैंड वाटरवेज आपको मालूम है हमारे देश में इनलैंड वाटरवेज हैं बहुत सारे सो इनलैंड वाटरवेज आपको मालूम है जैसे नेशनल वाटरवे नंबर वन है नेशनल वाटरवे नंबर टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सो so, अब इसमें जो है एलपीजी को ले जाने की परमिशन दी गई है नाउ एलपीजी कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विद एम ओ एल एशिया ओशियानिया पीटी लिमिटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलपीजी थ्रू बार्जेस ऑन नेशनल वाटर वे नंबर वन एंड नेशनल वॉटर वे नंबर टू सो नेशनल वाटर वे नंबर वन और नेशनल वाटर वे नंबर टू पर एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन होगा इनलैंड वाटर वेज के तहत अब याद रखिएगा अब आप पूछेंगे कि नेशनल वाटर वे नंबर वन कहां है सो नेशनल वाटर वे नंबर वन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए ये भारत का सबसे लंबा वाटर वे है जो कि गंगा निवर पर है यह बेटा आपका अलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है यह आप कह सकते हैं प्रयागराज को जो है यह दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट से जोड़ता है और नेशनल वाटर वे नंबर टू जो है बेटा यह आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है जो कि आपका सदिया से धुबरी को जोड़ता है तो सदिया को धुबरी से जोड़ता है आसाम में याद रखिएगा तो इन दोनों पर जो है बेटा आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि एलपीजी का ट्रांसपोर्ट भारत में कौन सी दो नदियों पे किया गया है एमओएल <coughs> ठीक है एमओ यू ठीक है <coughs> बेटा ये कंपनी का नाम है याद रखिएगा ठीक है सो याद रखिएगा ये एमओ साइन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा So, यहां से भैया नेशनल वाटरवे वे नंबर वन गंगा पर और नेशनल वाटरवे वे नंबर टू ब्रह्मपुत्रा पर द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस कैरियर कंपनी एमओएल ग्रुप विल इन्वेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड एलपीजी बार्जेजेस अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड इन स्टेटमेंट तो दुनिया की सबसे बड़े गैस कैरियर कंपनी जिसका नाम है एमओएल ग्रुप वो इन्वेस्ट करेगी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड एलपीजी बार्जेस हैंडलिंग एलपीजी बाय इनलैंड वाटरवेज विल हेल्प रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स लोवरिंग ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट व्हिच इन इंडिया स्टैंड्स अप्रोक्सिमेट 13 टू 14 परसेंट ऑफ जीडीपी डीपी कंपेयर टूथ ग्लोबल एवरेज ऑफ एट परसेंट कंट्रीब्यूटिंग द गवर्नमेंट सोशल स्कीम लाइक उज्ज्वला फॉर एलपीजी सप्लाई अब आप सोचिएगा कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती हैं याद रखिएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है देश में मतलब माल भाड़े की जो कॉस्ट है वो तेरह से चौदह परसेंट ऑफ द जीडीपी है <coughs> क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेल से रोड से ज्यादातर लॉजिस्टिक चीजें पहुंचाई जाती हैं लेकिन याद रखिएगा कि विदेशों में वाटर वेज का जो जो कैनाल सिस्टम है या रिवर्स पर जो वाटर वेज है वो बहुत ही अच्छा जाल उसका बिछा हुआ है जिसके वजह से विदेशों में जो है बेटा लॉजिस्टिक चार्जेस कम होती हैं प्लस वाटर वेस पे जाने से फायदा यह होता है कि वाटर वेज सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली होता है प्रदूषण कम करता है और उससे कहीं ना कहीं कहीं कार्बन फुटप्रिंट्स में भी कमी आएगी और कहीं ना कहीं भी हम जो है क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ छोटा मोटा योगदान जरूर देंगे ठीक है बेटा सो so, याद रखिएगा यह काफी बड़ा है खबर है करेंटली 60% परसेंट ऑफ द एलपीजी थ्रू द रोड टू द वेरियस लोकेशन विद कॉस्ट ऑफ फाइव टू सिक्स पर टन पर किलोग्राम विच द ऑयल कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग एट टाइम स्ट्राइक्स बाई ट्रांसपोर्टर्स एंड रोड ब्लॉकेज ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो देर आर सम एरियाज आर डिफिकल्ट टू अप्रोच थ्रू रेल और रोड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर आई डब्ल्यू टी सेक्टर में प्रोवाइड यूजेबल सोल्यूशन सो अब आप समझ सकते हैं इनलैंड वाटर वे जो है काफी फायदा पहुंचाएगा खासतौर से नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहां रोड और रेलवे का नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन रिवर सिस्टम वहां काफी स्ट्रांग है इससे जो है बेटा काफी फायदा हो सकता है ठीक <coughs> है तो याद रखिएगा 60% परसेंट ऑफ द एलपीजी हमारे देश में रोड से मूव करती है ठीक है <coughs> ठीक है भैया क्लियर है जल्दी बताइए लाइक और शेयर होते रहना चाहिए हम तुमसे लाइक और शेयर करने को कहते हैं तुम लोग कम कर देते हो भाई ये तो बड़ी गलत बात है याद रखिएगा ठीक है <coughs> ओके नेक्स्ट अगली खबर है पांच खबर हो गई छठी खबर है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ये देखिएगा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ये देखिएगा

at national level and to the globe community the second edition of global bio india will be organized from 1st to 3rd march those are on digital platform सो so, <coughs> तो ट्रांसफॉर्मिंग बायो बायो टू इकोनॉमी तो बायोटेक्नोलॉजी से ही हम इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं भाई कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी ने अच्छा काम तो किया ही है अभी बेटा दुनिया जहां पर कोविड नाइनटीन से पीड़ित थी तो कहीं ना कहीं भारत की जो दो वैक्सीन्स हैं कोवैक्सीन को और कोविशील्ड उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज जरूर दिखाई है और भारत की दोनों वैक्सीन्स को दुनिया भर ने काफी सराहा है चाहे कोविड हो चाहे हो या कोविशील्ड हो सो so, टेक्नोलॉजी भारत बात है मेडिकल करने के लिए ग्लोबल डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाएगा द थीम फॉर दिस ईयर इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैग लाइन इज बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी तो याद रखिएगा इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ और टैग लाइन है <coughs> तो स्टेट पार्टनर आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि भैया पचास से ज्यादा देश आएंगे जिसमें स्विट्जरलैंड पार्टनर कंट्री होगा और कर्नाटका जो है वो स्टेट पार्टनर होगा ग्लोबल बायो इंडिया इज बिंग ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट बायो टेक्नोलॉजी क्टर टेकिंग्रियल तो जो है वो दो हजार उन्नीस में हुई थी दो हजार बीस में नहीं हुई अब जो है दो हजार इक्कीस में होगी याद रखिएगा तो दूसरी समिट है लेकिन इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी याद रखिएगा ठीक है यह देखिए छठी खबर सातवी खबर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस एस के बारे में आपने सुना होगा स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अनाउंस द सिलेक्शन ऑफ ट्वेल्व आइकॉनिक साइट अंडर द फेस फोर ऑफ द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस अब आपको मालूम है कि भारत सरकार हमारे देश में स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस बनाती है मतलब जो हमारे देश की जो घूमने वाली जगहें हैं उनको खूबसूरत बनाया जाता है यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा किया जाता है तो इस बार फेस फोर में 12 साइट्स को ढूंढा गया है जिसमें अजंता की गुफाएं होंगी महाराष्ट्र कश्मीर में बांके बिहारी टेंपल यूपी में आगरा फोर्ट यूपी में और कालीघाट टेम्पल पश्चिम बंगाल में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया बफरिंग का कोई झंझट तो नहीं है यहां पर पता नहीं आप लोगों कैसे बफरिंग दिख रही है मुझे तो सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है आपको पता नहीं क्यों बफरिंग दिख रही है भैया एक सेकंड रुक जाओ भाई बिल्कुल सही चल रहा है कोई बफरिंग नहीं है आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक करिए सब बिल्कुल सही है यहां पर ठीक है सो बारा आइकॉनिक प्लेसेस को डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऐसे पूछ लेते हैं ठीक है अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे कि हमारा जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है सो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और किस मंत्री मंत्रालय के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एम इज टू ट्रांसफॉर्म द आइकॉनिक हेरिटेज स्पिरिचुअल एंड कल्चर प्लेसेज ऑफ द कंट्री एज अ स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बेटा इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को स्वच्छ बनाया जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस आई पी इज टू अचीव अ डिस्टिंगली हायर लेवल ऑफ सैनिटेशन क्लीनस एट दिस प्लेसेस स्पेशली ऑन द पेरीफरीज एंड द अप्रोच एरिया तो याद रखिएगा जहां से आप एंटर करते हैं वहां पर साफ सुथराई होनी चाहिए और उसके आस पास के एरिया में साफ सुथराई होनी चाहिए इसके लिए बेटा याद रखिएगा स्वच्छ आइकोनिक प्लेसेस बनाई जाती है इसका प्लेस इसका फेस फोर आ रहा है और फेज फोर में इस बार बारह साइट्स को रखा गया है दिस प्रोजेक्ट इज बिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ जल शक्ति इन एसोसिएशन विदिन गवर्नमेंट दीज ट्वेल्व प्लेज आर अजंता सांची कुंभलगढ़ जैसलमेर रामदेवरा देवरा सन टेम्पल रॉक गार्डन दल लेक बांके बिहारी आगरा कालीगढ़ फोर्ट याद रखेगा सो so ये बारह जगह इस बार ढूंढी गई है शबाशन आठवीं खबर है ये देखिए बेटा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किक्स प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा बहुत अच्छा है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जिसे किक्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है याद रखिएगा आपने सुना होगा द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेट किक्स प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अब आप पूछोगे सर ये क्या है द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जिसे बेटा किक्स कहते हैं याद रखिएगा टरी नेशनल इकोसिस्टम टू डिजाइन इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर प्रेसिंग चैलेंजेस अब होता क्या है कि भाई आजकल के जो हमारे शहर हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है हमारे जो शहर हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है अर्बन प्लानिंग के वजह से पानी के समय से बिजली के समस्या के वजह से ट्रांसपोर्टेशन के समस्या के वजह से क्योंकि अब बेटा जो शहर बन चुके हैं उन्हें तोड़ा तो जा नहीं सकता है लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है शहरों में तो इसके लिए सिटी इनोवेशन एक्सचेंज निकाला गया है innovators across the national ecosystem design innovative solutions for the pressing challenges designed on the philosophy of everyone is innovator the platform will bring together citizens organizations academic businessmen government To co-create for the future urban India in a transparent and sustainable manner याद रखिएगा So इसमें कोई भी जो है participate कर सकता है याद रखिएगा ताकि भारत में शहरी जीवन को बेहतर बनाया जा सके और sustainable बनाया जा सके So बेटा अब जो already चीजें हैं उनको अब हम बदल तो सकते नहीं हैं लेकिन उन्हीं में resources का बेहतर इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है प्लेटफॉर्म विल इज द डिस्कवरी डिजाइन वैलिडेशन सोल्यूशन थ्रू अस ट्रांसपेरेंट एंड यूजर सेंट्रिक प्रोसेस दैट विल रिड्यूस बैरियर फॉर इनोर्स एंड सिटीज डिस्कवर फिटिंग सोल्यूशन द प्लेटफॉर्म मोर देन फोर स्टार्टअप हंड्रेड स्मार्ट सिटीज मोर देन एक सो पचास चैलेंजेस स्टेटमेंट एंड ओवर दो सो पंद्रह सोलूशन एट द टाइम ऑफ लॉन्च तो याद रखियेगा सो बेटा ये काफी बड़ा कार्यक्रम है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा नवा देखिएगा बेटा महामृत्युंजय टेम्पल नवा क्वेश्चन क्वेश्चन है महामृत्युंजय टेंपल आप जानते हैं महामृत्युंजय बेटा आप जानते ही हैं बहुत ही फेमस महामृत्युंजय टेंपल भगवान शिव के लिए होता है याद रखिएगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड द कंसेंट्रेशन सेरिमनी ऑफ महामृत्युंजय टेंपल इन नौगांव असम तो आप समझ ही सकते हैं भाई साहब आसाम में आजकल क्या होने वाला है आसाम में बेटा जो है अब इलेक्शन होने वाले हैं बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं तो भाई साहब अब तो जानते हैं आजकल सब कुछ होगा हमारे देश में हमारे देश की खासियत ही ऐसी है बेटा हमारा देश बहुत बढ़िया देश है जहां चुनाव के समय सारे नेता हर जगह दिखाई देते हैं याद रखिएगा सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड द दंसंट्रेशन सेरेमनी ऑफ महामृत्युंजय टेम्पल इन नौगांव आसाम ही पार्टिसिपेटेड इन द कंसेंट्रेशन सेरेमनी ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट एक सौ छब्बीस फिट शिवलिंग इन द महामृत्युंजय टेम्पल सो दुनिया का सबसे बड़ा एक सौ छब्बीस फिट का शिवलिंग है यहां पर ही ऑल्सो विजिटेड बोरोडुआ पिलग्रिमेज द बर्थ प्लेस ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा शंकर देव ही स्टार्टेड द न्यू वैश्व ट्रेडिशन फ्रॉम हिज होली लैंड एंड मेड द वैश्वाइट ट्रेडिशन वाइब्रेंट द महामृत्युंजय मंत्र ऑल्सो नोन एज द रुद्र मंत्रा और तिबंगम मंत्रा इज अ वर्स ऑफ ऋग्वेद द सुक्ता इज एड्रेस टू द त्रिंबाकना द्री आइड वन एंड एपिटेम रुद्रा विच वॉज एड विम दर्सो रिकॉर्ड इन दजुर्वेद तो याद रखिएगा हमारे आज यहाँ पर जो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने आज यहां पर विजिट किया है एनी आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर आते हैं ठीक है बच्चा अब देखिएगा दसवीं खबर इंटीग्रेटेड बैंबू ट्रीटमेंट प्लांट देखो बेटा यह बहुत बड़ी खबर है इंटीग्रेटेड बैंबू ट्रीटमेंट प्लांट यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसे डोनर कहा जाता है इनोग्रेटेड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनिग्रेटेड bamboo treatment plant in the premises of the northeast cane and bamboo development council in the brinhart near gohati सो so, आपको मालूम है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या होता है बेटा बारिश अच्छी होती है अब क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बारिश अच्छी होती है इस वजह से आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो है बैम्बू प्रोडक्शन होता है अब बैम्बू के ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया गया है देखिएगा यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसे डोनर कहा जाता है इनोग्रेटेड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट इन द प्रिमाइसिस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल इन द <coughs> ब्रिनी हार्ट नियर गुवाहाटी याद रखिएगा द प्लांट इज बेस्ड ऑन द वैक्यूम प्रेशर इम्पिगमेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इज फंडेड बाय द नेशनल बैंबू मिशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल दिस इज इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन बेंबू इंडस्ट्री एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर तो सरकार चाहती है कि भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाए बेंबू सेक्टर में और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटा ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीजें हैं नो no डाउट ये बहुत अच्छी चीज है बेटा याद रखिएगा नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी चीजें देश में होनी चाहिए लेकिन प्रश्न बेटा यहां पर यह है कि ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तभी क्यों आते हैं जब चुनाव सामने आते हैं प्रश्न यह है प्रश्न यह नहीं है प्रश्न यह है कि क्या ये बेटा बैंबू ट्रीटमेंट प्लांट है ताकि बैंबू से जो अच्छी चीजें बनाई जा सके याद रखिएगा सो बैंबू से अच्छी चीजें बनाई जा सके याद रखिएगा जैसे चटाई हो गई बैग्स हो गए ये वो ठीक है इंप्लीमेंट नहीं होती है बेटा चीजें लागू तो कर दी जाती हैं हमारे देश में अनाउंस कर दी जाती हैं चुनाव के समय लेकिन वो कितनी लागू होती हैं जैसे कल आपने देखा होगा बड़ी आ, सभी करते हैं बेटा ये देखिएगा एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं कल आपने देखा होगा यूपीएसआई की यूपीएसआई का कल आपने देखा होगा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया आपने देखा होगा देखा कि नहीं देखा कल ये बताओ आपने देखा कि नहीं देखा कि यूपीएसआई का कल नोटिफिकेशन आया और उसमें एक पॉइंट था पॉइंट नंबर तेरह उसे पढ़िएगा ध्यान से उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर तेरह में यूपीएसआई के नोटिफिकेशन में कि भाई साहब राज्य सरकार कभी भी चाहे राज्य सरकार जब चाहेगी सुनिएगा उसमें क्या लिखा है कि राज्य सरकार किसी भी वक्त वैकेंसी घटा सकती है और जरूरत पड़ने पर बिना आपको सूचित किए पूरी परीक्षा निरस्त भी की जा सकती है सुनिएगा क्या लिखा नौ हजार वैकेंसी आई है लेकिन क्या लिखा हुआ है उसमें कि सरकार जब चाहे आपकी परीक्षा में वैकेंसी कम कर सकती है और जरूरत पड़ने पर आपकी वैकेंसी को निरस्त भी किया जा सकता है अब यूपी में इलेक्शन तो है ही है भैया 2022 में तो भैया ये तो कराना बहुत जरूरी है अब इस समय ठीक है एनी ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है हां जी अब देखिएगा ग्यारहवीं खबर है सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स ये देखिएगा बेटा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हो रहे हैं अब आप जानते हैं खेलो इंडिया कहीं ना कहीं काफी पॉपुलर होता जा रहा है ठीक है आ, हो जाना चाहिए संकेत जी ठीक है ठीक है बेटा याद रखिएगा अच्छी बात है हाँ जी अब एग्जाम भारत में तीन ही बचे हैं एक डिफेंस सेक्टर के हैं एक यूपीएससी वाले हैं और एक स्टेट पीसीएस के हैं जो वाकई में टाइम पर होते हैं बाकी तो सब छोड़ दीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी विल डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एज द सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स ऑन छब्बीस फरवरी दो ये देखेगा इस बार सेकेंड खेलो इंडिया खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स कहां हो रहे हैं So, याद रखिएगा ये गुलमर्ग में हो रहे हैं याद रखिएगा सो so, गुलमर्ग में हो रहे हैं कश्मीर में याद रखिएगा सो so, गुलमर्ग कश्मीर में खेलो इंडिया सेकेंड गेम्स हो रहे हैं याद रखिएगा ठीक है ठीक है <coughs> हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है The games will be held from Chabhis February to 2nd March. The event has been organized by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports in collaboration with the JNK Sports Council and the Winter Game Association of Jammu Kashmir. The sports activities include alpine skiing, Nordic skiing, snowboarding, ski mountaining, ice hockey, ice skating, ice stroke, etc. ट्वेंटी सेवन स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड आर सेंडिंग टीम्स टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स सो याद रखिएगा काफी पॉपुलर गेम है उम्मीद करता हूं अच्छा होगा सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स सो खेलो इंडिया कहीं ना कहीं हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दे रहा no doubt, minister, है किरण रिजिजू जी नो डाउट इज अ फेंटेस्टिक मिनिस्टर याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं लेकिन ऐसी हिंदी बोलते हैं भाई साहब शुद्ध के दिल खुश हो जाता है देख करके ठीक है और ये देखिएगा बारहवीं खबर लास्ट खबर आज की न्यू सोशल मीडिया रूल्स टू कर्ब इट्स मिस यूज यह देखिएगा भाई साहब तो नए सोशल मीडिया रूल्स आ रहे हैं देश में ताकि मिस यूज को रोका जा सके ये देखिएगा द बेसिक एक्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स इज अ सॉफ्ट टच ओवर साइड मैकेनिज्म टू डील विद इश्यूज सच एज द परसिस्टेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज अब आप देखिएगा सरकार क्या कह रही है हम फेक न्यूज को रोकेंगे एक कहावत है ना लुक हु इज सेइंग दैट एक कहावत है ना बेटा लुक हु इज सेइंग देखो कौन कह रहा है सरकार का कहना है कि हम फेक न्यूज को रोकेंगे अब्यूज ऑफ दीस प्लेटफॉर्म टू शेयर मॉफ इमेजेस ऑफ वुमेन एंड कंटेंट्स रिलेटेड टू द रिवेंज पॉन और टू सेटल कॉर्पोरेट राइवेलरीज ये देखेगा बेटा तो भाई साहब सरकार कह रही है हम फेक न्यूज अब्यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर मॉफ इमेजेस ऑफ वुमेन कंटेंट रिलेटेड टू रिवेंज पॉन और टू सेटल कॉर्पोरेट राइवेलरीज तो भाई साहब सरकार कह रही है कि भैया मिस यूज को रोका जाएगा लुक हु इज एक कहावत सुनी है ना आपने कि फेक न्यूज को रोका जाएगा एनी In India WhatsApp had 53 crore users YouTube 44.8 crore users Facebook 41.41 .4, crore users Instagram 21 crore users and Twitter 1.7 crore users on receiving a court order or being notified by the appropriate government agency an intermediary will need to remove or disable access to information any unlawful information as early as possible बट इन नो केस लेटर देन थर्टी सिक्स आवर्स तो भैया ऐसा है कि सरकार कोर्ट ऑर्डर भिजवाएगी और उसके बाद इन्हें छत्तीस घंटे के अंतर्गत उस चीज को हटाना पड़ेगा

कितना जो है बेटा सच्चाई है वो तो आने वाला समय बताएगा सो ये हो गया हमारा डन तो अब आप, आप देख सकते हैं भारत में तिरपन करोड़ लोग फेसबुक चौवालीस करोड़ लोग यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक करोड़ इंस्टाग्राम 21 करोड़ ट्विटर पे 1.7 करोड़ और दिन भर इन पर क्या होता है वो तो आप भी जानते हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ऑनलाइन बेंचर्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री पास करें वो ज्यादा अच्छा है रेदर देन आप जो है फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर रहा करें याद रखिएगा ठीक है हाँ जी क्लियर है इन यूनिवर्सिटी से दूर रखिए बेटा क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है तो इनसे थोड़ा सा दूर रहिए काफी अच्छा रहेगा ठीक है ठीक है बिल्कुल नहीं कुमार गौरव साहब तो यह हो गया न्यूज अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आप क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परसों हमारी सेल एंड हो रही है फेब्री सेल आपको दे रखी है हमने जिसमें ओ ट्वेंटी कोड लगाकर आप बीस परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे कोई भी कोर्सेज पर याद रखिएगा ठीक है याद रखिएगा तो बीस 20 परसेंट का डिस्काउंट भी पा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता दूं ये देखिए हमारा सी का बैच अभी शुरू हुआ है सीडीएस टू का इसके अलावा आप ओ टी टू का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारा सी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप सीडीएस सी ए दोनों कर सकते हैं इसके अलावा आप यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप एम पी कर सकते हैं यूपीपीसी कर सकते हैं सारे आप कर सकते हैं हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए याद रखेगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड बैंबू ट्रीटमेंट प्लान द प्लांट इज बेस्ड ऑन वैक्यूम प्रेशर इंपिंग इंप्रिगेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इज फंडेड बाय द नेशनल बैंबू मिशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रिसेंटली इट गॉट इनोग्रेटेड इन डेली क्या बात है साहब म्बू ट्रीटमेंट प्लांट क्या दिल्ली में आ सकता है क्या बेटा यहां देखिएगा <coughs> ठीक है कि बैंबू वैसे ही बेटा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में होता है आपको मालूम होना चाहिए गुवाहाटी में खोला गया है यह स्टेटमेंट सही है वन ओनली इज द राइट आंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफरेंस टू द सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स द गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 26 फरवरी टू सेकंड मार्च इवेंट हेज बीन ऑर्गनाइज बाई दूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यूथ एंडेयर स्पोर्ट्स एंड क्लाब्रेशन जेके स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम्स एसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ जम्मू कश्मीर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी बताओ बहुत बढ़िया है शाबाश दूसरा क्वेश्चन का खेलो इंडिया गेम्स जो है बेटा गुलमर्ग में हो रहे हैं बिल्कुल सही है यह भी सही है यह भी, भी सही है बोत वन एंड टू इज द राइट आंसर कंसिडर स्टेट में डिफरेंस टू दिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दिटी इनोवेशन एक्सचेंज विल कनेक्ट सि इनोवेटर्स innovative द नेशन इको pressing टू डिजाइन इनोवेटिव initiative इट इज इनिशियटिविस्ट्री हाउसिंग अफेयर्स याद रखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है गलत मत करिएगा बिल्कुल सही दीजिएगा बहुत बढ़िया जल्दी बताओ बेटा बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट सही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने ही शुरू किया है किक्स याद रखिएगा हां जी हमारे जो अर्बन चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए सरकार एक कोशिश कर रही है थ रेफरेंस टू द ग्लोबल बायो इंडिया द थीम फॉर दर इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड टैग लाइन इज बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी ग्लोबल बायो इंडिया दो हजार इक्कीस एक्सपेक्टेड टू हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रामी प्लस कंट्री स्विजरलैंड द पार्टनर कंट्री एंड कर्नाटका इज द स्टेट पार्टनर बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान बिल्कुल सही है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ टैग लाइन है बायो साइंस टू बायो इकोनमी याद रखिएगा ये भी सही है ये भी सही है राइट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विद एमओल एशिया ऑफियानिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलपीजी थ्रू बार्जेस और नेशनल वाटर वे वन एंड टू करेंटली नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ एलपीजी इज मूव थ्रू द रोड वेरियस लोकेशन कॉस्ट ऑफ फाइव टू सिक्स रुपीज पर टन पर किलोग्राम जल्दी बताइए बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है बेटा ध्यान से देखो इनलैंड वाटरवेज वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा प्रेजेंटली साठ परसेंट जो है ना वो जाता है ये गलत है ये स्टेटमेंट सही है वन ओनली इज द राइट आंसर साठ so, परसेंट है पंचानवे परसेंट नहीं है तो हमारी सेल खत्म हो रही है परसों आप लोग इसका ले सकते हैं फायदा ओबी ट्वेंटी कोड इस्तेमाल करके अधिक जानकारी के लिए सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर आप हमें कॉल करना ना भूलें कोई भी जानकारी चाहिए हो तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों ठीक है आपको इसका पीडीएफ हमारे ऑनलाइन वेंचर्स के यू टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा हैव अ नाइस डे डू टेक केयर ऑफ ए सेल्स जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम थैंक यू मिलते हैं मंडे को